तो सिद्धार्थ जी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं तैयार। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो सिद्धार्थ जी को बधाई देने का वक्त है आज। क्यों सर? सिद्धार्थ जी की वर्षगांठ है आज। अरे वाह, होता क्या है वर्षगांठ? मतलब वो एनिवर्सरी। एनिवर्सरी वर्षगांठ। हाँ हाँ, अच्छा मैंने भी ज्यादा हिंदी बोल दी है। एनिवर्सरी है, ओवरहेड चला गया। कौन सी वाली? वर्क एनिवर्सरी नहीं, सिप की एनिवर्सरी। तो सिद्धार्थ जी ने सिड की सिप के पूरे एक साल कर दिए, एक साल पूरा कर दिया। तो सिद्धार्थ जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। हर हफ्ते बेहतरीन थीम, बेहतरीन स्टॉक, बेहतरीन एलोकेशन जो आप लेकर आ रहे हैं उसके लिए वाकई में आप इन्वेस्टर्स के लिए काफी मदद कर रहे हैं। और काफी लोग कहते भी है कि ट्रेडिंग के लिए बहुत सारी कॉल आती है, हर दो दो मिनट में एक कॉल होती है स्पेशली मॉर्निंग शो में, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए काफी कुछ कम होता है। तो इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए जैन साहब है जो हमेशा जेम्स देते हैं, आप हैं जो हर हफ्ते चार स्टॉक का, पांच स्टॉक का एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो हम सोचे आज एनिवर्सरी स्पेशल पे कुछ तो अलग होना चाहिए। तो पहले पूरे साल भर की यात्रा के बारे में आप बताइए, दूसरा इस पूरे साल भर में जितनी आपने थीम्स सुझाई है उसकी किस तरह की परफॉर्मेंस है, किस तरह के स्टॉक्स हैं, किस तरह की थीम्स है जिन्होंने बढ़िया परफॉर्म किया है, कैसा परफॉर्म किया वो बताएं सिद्धार्थ जी। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु, और चालू करने से पहले कॉन्ग्रेचुलेशन और बधाई के पात्र आप हैं अनिल जी, क्योंकि मैं तो क्या है कि एक आइडिया लेके आया, बट आपने दर्शकों के फायदे के लिए ये चीज को पूरे एक साल दिया और सही में दर्शकों का बहुत फायदा हुआ है। तो मैं मानता हूं कि क्रेडिट गोज टू यू, क्योंकि आपने इस प्लेटफॉर्म पे ये एक नया प्रोडक्ट जो बास्केट या थीम का जो एक योजना है ये कहीं कहीं नहीं मिल रहा है, सिर्फ जी बिजनेस पे आपने चालू किया था। तो बधाई के पात्र पहले तो आप है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। देखिए ये आपकी मेहनत है और आप इतना हर हफ्ते रिसर्च करके लाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतने स्टॉक्स बनाते हैं, तो बधाई आपको सबसे ज्यादा है। बाकी ठीक है, बताएं सर अब एक बार परफॉर्मेंस का बताइए। बिल्कुल अनिल जी, पूरे साल में हम 45 सिप लेके आए हैं, सिद्धार्थ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो 45 लेके आए हैं पूरे साल में, जिसमें एवरेज आउट परफॉर्मेंस रिटर्न जो बना है वो 7%। मैं हर एक थीम में 1 लाख रुपए और निफ्टी में 1 लाख रुपए लगा के पूरा मैंने कैलकुलेशन निकाला है, जिसमें 7% का रिटर्न एवरेज बैठता है, जबकि निफ्टी का रिटर्न सिर्फ 1%। बाजार में सब काम करते हैं कि हमारा रिटर्न बाजार से कैसे बेहतर हो, 6% का आउट परफॉर्मेंस है, उसमें से 45 में से 70% से पैसी है, 70% मतलब 32 से पैसी है जो पॉजिटिव रिटर्न दी है, और पॉजिटिव भी टू द ट्यून ऑफ 10 से 20%। 30% ऐसी सिप होगी जो मार्जिनली नेगेटिव है ये बाजार के कंडीशन में। हमने देखा है निफ्टी ने 15% की गिरावट देखी है ऑफ लेट पिछले 2-3 महीनों में, इसमें भी 70% सिर्फ पॉजिटिव है। बहुत सारे ऐसे थीम है जो 30-30% का रिटर्न दे चुके हैं सिप में, गो ग्रीन, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, अर्निंग स्टार्स, ऐसे बहुत सारे सिप है जिसने 30-30% के आसपास का रिटर्न दिया, जबकि निफ्टी ने 6-7% रिटर्न दिया है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां इस थीम में से निकाली है जिन्होंने 50-50% का रिटर्न दिया है, जैसे कि टाटा पावर, नोसिल, रिलैक्सो, अंबिका कॉटन, एस्कॉट्स। तो इस हिसाब से पूरा थीम और पूरा एक साल की जर्नी हुई है। मैं मानता हूं कि दर्शकों का बहुत बड़ा फायदा होगा और फायदा होते रहेगा सिर्फ जी बिजनेस की द्वारा। तो ये है आपके लिए, जहां निफ्टी ने 1% रिटर्न दिया वहां पर 7% से ज्यादा का रिटर्न आपके लिए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की बेहतरीन परफॉर्मेंस आती है। देखिए कई सारे स्टॉक, और सबसे बड़ी बात है ये वो स्टॉक है जो फंडामेंटली बेहद मजबूत है और आप आराम से शांति से लेकर आप बैठ सकते हैं। तो ये दमदार परफॉर्मेंस एक एक थीम की आती दिख रही है। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है, जब वो थीम बताए तो थीम के सारे स्टॉक उसी प्रोपोर्शन में आपको खरीदने, ये चीज ध्यान में रखिएगा, अपनी मर्जी से नहीं। ये बहुत बड़ी चीज है जो सिद्धार्थ जी ने आपको बताया। सिद्धार्थ जी बताएं सर, अब आप जरा एक बार आज की थीम भी बताइए। अनिल जी गर्मी बहुत बढ़ गई है, अच्छा? बाजार में भी उठा पटक है और बाहर भी बहुत गर्मी बढ़ गई है, अब समर्स के सामने आए हैं, हीट हो रही है। तो आज का जो थीम ही है गर्मी को बीट करने के लिए, बीट द हीट, आज का जो थीम है समर सीजन से है बीट द हीट। और जिस हिसाब से पिछले 2 समर सीजन गए हैं कोविड के चलते, बहुत ही नॉमिनल सेल्स देखी है ये सारी कंपनियों ने जो बीट द हीट की सिप में है। मैं मानता हूं कि फुल फ्लेजिड समर ये बार दिखेगा, डिमांड दमदार है, कैपेसिटीज कंपनियों की 80-90% पहुंच गई है, डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, शोरूम्स है व्हाइट गुड्स के, इन्होंने अपनी इन्वेंट्री जोरदार बिल्टअप कर दी है, और अप्लायंसेस इंडस्ट्री जो है वो डबल कर सकता है, 1.5
5 लाख करोड़ के आसपास का बिजनेस कर सकते हैं 2025 तक। तो अब आज का जो थीम है बीट द हीट। ओके, बीट द हीट थीम, यही सही समय है ये थीम भी लाने का, समर सीजन भी शुरू हो रहा है। बताएं सिद्धार्थ जी, फिर कौन से स्टॉक्स हैं रेडार पर, कैसे करना है इनको डिवाइड? आज एनिवर्सरी स्पेशल है तो 5 स्टॉक है इसमें, 2 25% के, 2 20% का और 1 10% का। 25 25 20 20 10, 100% हो गए। सबसे पहली कंपनी होगी हैवेल्स इंडिया। हैवेल्स इंडिया लीडिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, स्विच गियर्स, लाइटिंग्स, फैंस, कौन से सेगमेंट में नहीं है, और हर एक सेगमेंट में इनका मार्केट शेयर दमदार है। 14 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, बैलेंस शीट दमदार, ब्रांड इक्विटी तो दमदार है ही है। आरओई रिटर्न रेशियो जो एक बहुत बड़ा पैरामीटर है 20% पे है, 1.5 लाख के करीब रिटेलर्स है जहां पे इनका एक्सपेंशन हैवेल्स का ब्रांड दिखता है। मैं मानता हूं हर एक घर में हैवेल्स आपको दिखेगा। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 1362 के टारगेट के लिए खरीदना है, 25 रुपए लगाने हैं। दूसरी कंपनी होगी ठंडा कूल वोल्टास। वोल्टास जो लीडिंग एयर कंडीशनर, सबसे बड़ी मार्केट शेयर वाली कंपनी, वोल्टास टाटा ग्रुप की कंपनी, 26% का मार्केट शेयर, स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियो वोल्टास का, और टेम्परेचर जिस हिसाब से बढ़ रहा है वोल्टास के सेल्स भी बढ़ रहे हैं। लास्ट 2 साल से तो नॉमिनल ग्रोथ थे, ये साल में दमदार ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग डिमांड, और पीएलआई प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव में भी कंप्लाई करेगी। 125 करोड़ का केपेक्स, 1400 का टारगेट के लिए वोल्टास पे खरीदारी की राय है, 25 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से, अब आए 20 रुपए की योजना में। तीसरी कंपनी क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, 585 के टारगेट के लिए 20 रुपए लगाने हैं। लीडिंग एफएमईजी, लीडिंग डोमेस्टिक फैन का राजा अगर कोई हो वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स, 27% का मार्केट शेयर, बैलेंस शीट दमदार। इन्होंने भी प्राइस हाइक की है क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़े हैं, तो इन्होंने भी अपनी प्राइस हाइक की है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.7 करोड़ घर बनने वाले हैं, क्रॉम्पटन के पंखे तो लगने ही लगने हैं, बड़े डिमांड। चौथी कंपनी है सिंफनी, टारगेट होगा 1358 का, 20 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एयर कूलर कंपनी है, 60 देशों में है, एसेट लाइट मॉडल है, 8 से 10% का मार्केट प्राइस हाइक किया है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। सिंफनी भी बहुत बेहतरीन फिट बैठती है बीट द हीट में। और अंतिम कंपनी है जिसपे 10 रुपए बचे हुए लगाने हैं, वो है ओरियंट इलेक्ट्रिक। 385 के टारगेट के लिए ओरियंट इलेक्ट्रिक को खरीदे, लीडिंग एफएमईजी, सेकंड लार्जेस्ट फैन मैन्युफैक्चरर, क्रॉम्पटन के बाद जिसी का नंबर आता हो वो ओरिएंट इलेक्ट्रिक का है, 1.25 लाख रिटेल आउटलेट्स। और हाँ, एक यूनिक प्रोडक्ट है इन्होंने जो नया निकाला है, एलेक्सा ऑपरेटेड फैंस, ये बहुत यूनिक है, इंडिया में कहीं नहीं है, एलेक्सा ऑपरेटेड फैंस ओरिएंट इलेक्ट्रिक ने बनाया है, 20% की भाव में भी बढ़ोतरी की है। जैसे जैसे हीट बढ़ते जाएगी ये सारी कंपनियों के सेल्स बढ़ते जाएंगे, तो अच्छी उम्मीद लगा सकते हैं रिजल्ट्स के आने वाले क्वार्टर में। बीट द हीट, ये 5 कंपनियां बेहतरीन फिट बैठती है निवेश के रूप में। ओके, तो ये है आपके लिए 5 दमदार स्टॉक्स जो समर थीम है, बीट द हीट थीम, हैवेल्स, वोल्टास, सीजी कंज्यूमर, सिम्फनी और साथ ही ओरिएंट इलेक्ट्रिक। शुक्रिया सिद्धार्थ जी, और 1 साल हो गया दमदार पिक्स देते हुए, और आगे भी सिद्धार्थ जी आपको ऐसी ही दमदार सिप्स